मॉर्निंग ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव। करते हैं नए दिन नए ब्लॉग की शुरुआत एक बड़ी सी स्माइल के साथ। गांव में आ गए हूँ और अब प्लॉट पे जा रहा हूँ। पापा ने मुझे ड्रॉप कर दिया था, अभी वो गांव वाले घर में गए अंदर, उन कुछ काम था। मैंने कहा मैं पूछता हूँ, आप आ जाना तब तक, क्योंकि पापा एक बार तो होके जाते हैं सुबह सुबह प्लॉट के पास, देखना होता है, बताना होगा उसे उन्हें लेबर को ना ढंग से, क्योंकि वो लाइटली ले जाते हैं फिर चीज़ों को, और हमें ज़्यादा बोलने की आदत है नहीं, क्यों मन नहीं करता लेबर प्यार ऐसे, फिर वो चिल्लाने विल्लाने का ना बिना बात की कर लेंगे, वो भी उन्हें कौन सा मज़ा आता है, तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ कहते भी नहीं है ना अपनी आदत कहने की। बाकी निकल गया ये, मैं तो सुबह भी हमारे थे बाइक से, मतलब जिस साइड गाज़ियाबाद में गोविंदपुरम की तरफ, तो इतना ठंडा मौसम हो रहा था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी, 1% धूप नहीं थी, और यहाँ आते 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 देखो कितनी तेज़ धूप निकल गई, मौसम देख लो एकदम से पूरी तेज़ आई धूप, और सुबह ठंड लग रही थी बाइक पे। मैं पापा से आज बोल भी रहा था कि पापा ठंड लग रही है, और हमारी गाड़ी रिजर्व में लग गई है, लोल कोई दिक्कत नहीं, घर में ही चल रही है, लोकल ही चल रही है। देखो बत्ती जल गई आज, फुल टंकी करवाई थी, और फुल की फुल दो बार फुल टंकी, दोनों बार यहीं लग गई गांव में ही, कभी कुछ। अब तो बेचारी को राहत मिल गई, वरना इसमें तो बेचारी मैं कट्टे भी ढोके ला रहा था मैं सीमेंट के, क्योंकि इसी से ढोए हैं मैंने वो कट्टे, कभी गाड़ी से कभी टेम्पो से मतलब, और कभी इसमें ले लेके तीन चार कट्टे लेके आया हूँ। बट अब खुश हो गई है, राहत मिल गई ना इसको, बस इसकी एक बार ड्राई क्लीन करवानी पड़ेगी पूरी, वैक्यूम लगवा के ड्राई क्लीन एयर वेयर लगवा के अच्छे से पॉलिश वगैरह हो के फिर ये खड़ी हो जाएगी, फिर इसका गंदगी में काम ख़त्म, मतलब मिट्टी विट्टी में ज़्यादा। हम भी पहुँच लिए और ये लो जी मुड़ गए अपने प्लॉट की तरफ के लिए, उसी एरिया पे हूँ जहाँ मैंने भैंस वगैरह दिखाई थी ना बहुत सारी, और अभी भी देखो फ्लैट के लोग लेके जाते रहते हैं, देखो ना कम से कम 50 भैंस बंधी हुई है, ये देखो लाइन से। यार मुझे बताया था किसी ने, मतलब जो गांव का ही दोस्त था मेरा बचपन का, अज्जू ने और एक दो और थे, कह रहे थे वो महीने का ये भैंस वाले सारा खर्चा निकाल के महीने का 1 लाख रुपये उठा रहे हैं। मैंने कहा हैं जी, कह रहे हाँ सिर्फ दूध बेच के। मैंने कहा ये भी ठीक है, बढ़िया। खुलनी शुरू होती, गिर के नीचे धड़ाम। ये लो जी बीम कुछ झोल झोल सी खा रही है खंडी, कम सांप ज्यादा लग रही है, देखियो मुझे बीम लग रही है, सांप लग रही है, देखियो। ये लो जी सब कैमरा तो बहुत अच्छा, पूरी बैलकनी दिख रही है लोगों की, नाइस। इधर ये दीवार कंप्लीट हो गई, आधी रह रही है बस, प्लास्टर भी ख़त्म हो जाएगा आज। उधर बीम खोल दिया, साइड में जो ये है ये वाली जगह जो बच रही है इधर, ये वाली है, ये जो जगह बच रही है इसमें अभी रद्दे लग जाएंगे, ईंट लग जाएंगी मतलब, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और उधर से बीम आधी खोल दी, आधी खुल रही है अब, ये देखो दिखाता हूँ उधर, अभी जब गिरेंगे थोड़ा मार के दम से नीचे गिरा है, सपोर्ट्स जो लगी हुई हैं साइड की जो मसाला रोकती हैं एकदम से टूटा। ये देखो ये लो जी हटा दिया इसका भी, इसकी कंडीशन फिर भी ठीक सी, इसकी देखिए सांप बना रखा, क्या कह रहा, चुप चुप बोल जावे, मैं कहा चुप चुप बोल जावे, मैं कह रहा हूँ ये वाला बढ़िया हो रहा है, इधर वाला सांप बना रखा है, इधर भी काम एंडिंग पर चल रहा है एकदम,
बस वो रह गया, इतना सा टुकड़ा रह गया बनने के लिए, करने के लिए। और ये लो, ये भी हटा दिया इस का भी। अब बेटे पूरे दिन यही होता रहे, धम राम धूम। हटा दी ईंट वीट सब हटा दी। आशिक हूँ दीवाना हूँ तेरे लिए ही कर जाऊंगा। इसका काम देख लो क्या कर रहा, पूरे दिन इसका ऐसे चलता रहा। एंड हो गया काम आज, प्लास्टर कंप्लीट हो गया भाई अंदर की दीवारों का। ये देख लो, ले लो बीम के लिए हो गया ये स्ट्रक्चर खड़ा। अब कल बीम का और फ्रंट का प्लास्टर ख़त्म हो जाएगा, तो प्लास्टर का काम ए टू जेड कंप्लीट हो जाएगा अपना। और उसके बाद फर्श का स्टार्ट हो जाएगा। मिस्त्री साहब फर्श का कब सा लगेगा स्टार्ट? फर्श कल तो इसका ही सारा काम ख़त्म हो जाएगा है ना। उसके बाद कब तक, कब से कितने दिन? मैं वही कह रहा हूँ, कल तो सारा ख़त्म हो जाएगा फ्रंट का, तो उसके बाद ये परसों। इसमें दिन कितने लगेंगे फर्श में? तो एक दिन में हो जाएगा वैसे तो। चलो जी देखें क्या सीन है। अभी तो लेवलिंग करनी पड़ेगी इसकी पहले, रोड़े वोड़े। ईंट सही फोड़ रहा तू? देख कैसा चल रहा है हथौड़ा, देख लिया क्या? लड़कियों की तरह हथौड़े चला रहा जब से। ये बल्ली लगानी है, दोनों तरफ से ईंट फोड़ रहे हैं। अगर मेरे मिस्त्री साहब लाल ईंट होती तो कितने उसमें चोट में टूट जाती सारी आर पार भैया? हाँ तीन चोटें लगती, ईंट बाहर गिरती लाल वाली। और इसे कितनी देर होगी तेरे को? पौन घंटा तो हमें देख रहे हैं। आधा घंटा है, आधा घंटा हो गया इसमें, अभी तो कितना छेद हुआ बस। ये देखो ये लो, और लाल ईंट होती अब तक सारी टूट जाती है छः सात झटके में। और इस पर दोनों तरफ से लगे पड़े पर ये ईंट ना टूट दे। चलो ये तो पता लग रहा मजबूत है, हमें कौन सा दोबारा यूज़ करनी है। मजबूती चाहिए ये मशीन की सेफ्टी के चक्कर में। बहुत बढ़िया लगा रहा है। इधर की चोट देख लो और इधर की देख लो। और अभी तक आर पार ना हुई है। रुके। होगी कौन सी ईंट है अपने कहा? एक दो तीन चार पाँचवीं ईंट है। कितना लेवल? पाँचवीं है। एक दो तीन चार पाँचवीं है। सही है। हाँ बहुत बढ़िया। देख लिए कभी दोनों तरफ से मेहनत चल रही है और कटक हो जा कि यू के सरप्राइज दे दिया। ये तेरे पर लगा होगा थोड़ा उसमें दीवार में क्या? ये देख हथौड़े रहने रहने, उससे होएगा ये रहने, मत करो सर। सुरजीत भाई बात बात झूठ ना, प्यार तो है, दोस्ती है मेरी, दोस्ती ना। वो जो बात बताई गई है ना मुझे अभी तक जितनी भी, वो मुझे सच लग रही है। देखिए दोनों फ्रेम में कितने अच्छे लग रहे हैं वो भाई। अब इन दोनों के बीच में दिल बना दूंगा। अरे देखिए उंगली भी सही वाली पकड़ रखी, पता ना तुम्हें इसका मतलब पता ना होगा, लेकिन ये उंगली जो बहुत बढ़िया देख रहे हो। इनके बारे में कुछ कहानी पता लगी हमें, सुरजीत भाई बता रहे, पता ना कितनी सच है कितनी गलत है। बिल्कुल सच है, देखियो आशिक दीवाने देखो। हमने लगा दू यही ठीक है, दो आशिक प्यार करने वाले ठीक है भाई। भाई जब लड़की लड़की शादी कर सके तो लड़के लड़के कर सके, कोई गलत थोड़ी है यार, कर सके बिल्कुल कर सके, कहीं लिख थोड़ी रहा है ऐसा। ये तो वैसे भी पास हो गया, तीन चार साल हो गए इस पास पास हुए भी। हाँ देखो देखियो औरत तेरी, पीछे व्यू भी अच्छा आ रहा देखना सूरज के साथ, दो प्रेमी जोड़े बन गए घोड़े। ओए चल जल्दी रख सामान, रख जल्दी चलो, सारा सामान उठा, कुर्सी उठा, उसे सारे सब रखा हुआ। Took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. We don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore.
देखो बड़े बड़े लोग आए हमारे घर में मिलने हैं भाई। मेरा कैमरा गंदा हो रहा, कैमरा साफ सुन। रोने लगी, छोड़ दो पापा, रोने लगी, देख रो रही है। और भैया जी कैसे बीमार हो, कैसे बीमार सीमार होकर आए हो? शादी ऐसे ऐसे ऐसा अटेंड करा है शादी? बहुत दिनों से बुखार से मिला नहीं था, उससे भूल गया, खा लंग उसको बुला लिया, आ जाओ वो मिल लिया। अब जब आ गया तो पूछ लिया कि जब आ गया तो हो जाऊं, तो तुमने भी कह दी क्या? मैंने कहा ही गए हो तो फिर हो जाओ, हो जाओ थोड़ा सा। पापा कैसा परेशान से घूम रहे हो, कल आराम से जाऊंगा। मानो भैया आज भैया कैसे हो? बढ़िया जी। गर्लफ्रेंड कैसी है? गर्लफ्रेंड तो है ना, झूठ ना बोलो, इधर देखिए, चल इधर देख लो बस, झूठ क्या सच्ची बोल, हंस के रहा था यार, हंसी आ रही गर्लफ्रेंड। यार एक बात बता, गर्लफ्रेंड नहीं है ना, मैं खुद इनके भरोसे बैठा हूँ। किसके? तुम्हारे, कि ब्याह करा दो। तुम मेरे भरोसे बैठे हो कि वो तो कल लेगा गर्लफ्रेंड? और क्या, इसी भरोसे में कर ही लेगा, लोंडा भाग रहा है टाइम ना, हम तो मुस्कान रहे हुए, टीका रहे हुए, स्मार्ट सा बन के जाए तो वजह तो कुछ होएगी ना भाई, वजह कुछ। एक बात बताऊं, फैक्ट अजीत भाई बताइए, गलत बता रहा हूँ या सही बता रहा हूँ? ठीक है, जब गर्लफ्रेंड बन जाती है तो बंदा ग्रूमिंग पे फिर कम ध्यान नहीं देने लगता, उसे फर्क नहीं पड़ता फिर कैसे जा रहा है वो। फैक्ट बता रहा हूँ भाई, मैंने ये करा है तभी तो सच दज के जा रहा है। मैं तो खुद ही फंस गया। जब इलेक्शन चल रहे होते ना, तो जब सीट के लिए इलेक्शन चल रहे होते, उन्हें पता है जीतना है कि नहीं जीतना है, तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं 16-17 सितारे तोड़ के ले आऊंगा, चांद ले आऊंगा, सही बात है, लाइट ला दूंगा, बिजली ला दूंगा, सड़क बना दूंगा, पानी करवा दूंगा फ्री, नेट फ्री, एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर निकलेंगे और गाड़ियों में निकलेंगे। तो ऐसे लड़कों का हुआ है भाई, है भाई, जब ढूंढ रहे होते ना तब एकदम बन ठन के एकदम हैंडसम बन के निकलेंगे, तो फिर मतलब तो घूम जाते थे, या फिर गर्लफ्रेंड बन जाए तो फिर हमारे जैसे हो जाते जो 4 दिन हो गए नहाए नहीं, बताओ कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। भाई मजाक भी ना करे इंसान, फिर ठीक है, क्या पता भाई आजकल, नहीं आज तो नहीं नहाया। और तू भैया, तो तू मतलब सतज के इसलिए जा रहा, तेरे को कोई चाहिए? ना ना भाई, मैं शुरू से आ रहा हूं, तो रुकेगा तू सतज के जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मैं देखो, हम मेरी शुरू से आ जाते, जहां भी जाओ बंठन के जाओ, बस बस अभी इलेक्शन की तैयारी चल रही है, तो चल रही है ना इलेक्शन की तैयारी? ना चल रही है ना, तो यहां पर इलेक्शन जीत गए ना, जीता ना, मैं हूं ही ना भाई इलेक्शन में, मैं खड़ा ही ना हूं अभी, क्या इलेक्शन में ना खड़ा हूँ? ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, 16-17 साल हुई, हाँ। इलेक्शन में आ गए, मैदान में खड़े हो जाते हो, नहीं तो किसी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, नाम था तो एक किसी के कंधे मेरे सामने वाली खिड़की में, गर्लफ्रेंड नहीं तो किसी कंधे, देखा सा क्यों देखी, ये वाली हंसी तो समझ जा तू, क्यों हंसा, जब मैं हंसी आ गया तो बॉयफ्रेंड नहीं तो किसी के कंधे तो जरूर होगे, कंधा तो देख तू होगा, बेस्ट फ्रेंड तो तू होगा किसी का, लोंडिया ही बेस्ट फ्रेंड ना हमारी, तो कोई हमारे सर्कल में कोई लोंडिया ही ना जो फ्रेंड कहते हैं हमें, तो भैया लोंडे लोंडे भैया, इसका कोई बन जाओ अगर हमारे ग्रुप में यूट्यूब में कोई जुड़ा हुआ है तो देख लो, इस उम्र पर अगर नहीं है ना तुम्हारे साथ तो तुम किसी बाबा बाबा को दिखाओ, सही में जो दीवार पर नाम लिखे रहते हैं, तो बंगाली बाबा की एड कली देखी मैंने जब, तू याद है गुप्त रोगी, ये गुप्त रोगी अलग है, जब मिसल गड़ी की फाटक क्रॉस करके अंडरपास से निकला है ना, उस पर नीचे बंगाली बाबा का नंबर लिख रहा, मैंने कली देखा, मेरा नंबर, मैं बता रहा हूँ, मैंने कली देखा नंबर, समस्या है ये दिखाना पड़ेगा तुम्हें, सही कह रहा है, जब आने वाली होगी जलाने वाली, आने वाली होगी, और क्या पता आने वाली तेरे भरोसे बैठे कि तू जाएगा उसे लेने, तुम पहले तो तुम लेकर क्या नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, तुम क्या नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, तुम दिखाओ अपने आप को, और क्या सीधी सी बात, भैया लांगे फिर हम लांगे, मेरे तो कम से कम बहुत एंड में जाकर नंबर है, तेरा एंड में मानोनू का एंड में, पहले तो ये है, पहले मैं हूं, पहले मैं हूं भैया, हां तो वो कम मना कर रहा है, मैं तो मना, मैं तो बोला ही नहीं, मना कर रहा भाई, कहां वो तो अब मैंने मना कब कर रहा था, इतने दिनों से काम कर रहा था, अब देख अब इलेक्शंस बस स्टार्ट होने वाले हैं उसके, सरकार बनने वाली है जल्दी, तो मुझे नहीं पता यार, लो देख लो इन्हें पता ही ना, विधेयक पास होंगे तुझे पता है मेरे इलेक्शन चल रहे हैं, अरे अभी तो उससे भी बड़ा भाई है ना यार, और क्या उनके चल रहे थे इलेक्शन, सीरियसनेस देख किसकी, तू कह रहा उसके चल रहे दिखाए इलेक्शन,
अभी कपिल को फोन करे ले, मैं पूछ रहा लाउड स्पीकर पर फोन रख कर, मानू नू पूछ रहा है इलेक्शन चल रहे ना चल रहे यार, पहले वे लाएंगे फिर भैया लाएंगे फिर नोनू लाएगा है, फिर तू लाएगा देख बात देख रह तू रह ऐसा ना सरप्राइज करते सबसे पहले तू ही लिया यार ना 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 भाई तो ऐसा है सरमाने वरमाने वाली बात नहीं है, तुम बाबा बाबा से मिलो और क्या बाबा से बंगाली बाबा वगैरह से मिलो